अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी A52S के बाद यहां पर लिस्ट कर दिया गया है सैमसंग गैलेक्सी A53। दोस्तों, क्या चेंजिंग है दोस्तों इसमें, ये सारी जानकारी देखेंगे। प्राइस कितनी आने वाली पाकिस्तान में, लॉन्च कब होगा ये फोन और क्या चेंज किया गया दोस्तों, इंटरेस्टिंग चीजें सुनने में आ रही है दोस्तों। लेकिन यहां पर वीडियो देखकर ही पता चलेगा क्या A53 में चेंजिंग की गई है सैमसंग में। तो यहां पर मेक श्योर आप वीडियो कंप्लीटली देखिएगा। चैनल अगर ये सब्सक्राइब किया, देर किस बात की भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। न्यू वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट। भाई सबसे पहले डिजाइन की बात करें, डिजाइन आपको यहां पर बैक साइड से दोस्तों चेंज नहीं मिलेगा ज्यादा। यहां पर तकरीबन आपको A52S जैसा बैक साइड पर डिजाइन देखने को मिलेगा। कैमरा मॉड्यूल सेम और यहां पर डिजाइनिंग वगैरह का भी तकरीबन सेम ही मामला आपको मिल जाता है। डिजाइन में कोई तकल्लुफ नहीं किया दोस्तों चेंज करने में। और यहां पर ओवरऑल आपको क्वाड कैमरा का सेटअप सेम टू सेम देखने को मिल जाता है। यहां पर आपको दोस्तों दो कलर शो किए गए, व्हाइट कलर एंड ब्लैक कलर। इसके अलावा और कलर आते भी हैं, आएंगे तो जरूर शायद, लेकिन मेन ये दो कलर शो किए गए हैं दोस्तों। ओवरऑल यहाँ पर बैक साइड पर आपको पॉलीकार्बोनेट मिलता है, मतलब कि प्लास्टिक बॉडी से ही बना हुआ ये फोन। और यहाँ पर फ्रेम भी इस फोन का प्लास्टिक का है, एल्युमिनियम फ्रेम यहाँ पर चेंज नहीं किया गया। फ्रंट साइड पर डिस्प्ले आपको पंच होल वाला मिलता है, 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले, फुल एचडी प्लस की आपको रेजोल्यूशन मिल जाती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट साथ में देखने को मिल जाता है, जो कि A52S में, A52 में 90 हर्ट्ज था। यहाँ पर आपको ये बड़ी चेंज देखने को मिलेगी कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। बाकी ओवरऑल आपको डिस्प्ले में कोई चेंज नहीं मिलेगा, सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले। ओवरऑल आपको जो ब्राइटनेस वगैरह है, ब्राइटनेस का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको जो है वो गेमिंग वगैरह वीडियोस में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। डिस्प्ले सैमसंग के डिस्प्ले आपको पता ही है कि भाई काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस प्रोवाइड करते हैं। जो चेंजिंग की गई है इस फोन में वो है यहाँ पर प्रोसेसर की। यहाँ पर एक्सिनोस 1200 का दोस्तों चिपसेट दिया गया है, जो कि डायमेंसिटी 920 चिपसेट के मुकाबले में है, मतलब के बराबर है, सेम ही काम करते हैं, थोड़ा बहुत फर्क होगा लेकिन ओवरऑल मुकाबले का चिपसेट है, टक्कर का चिपसेट है। तो एक्सिनोस 1200 का चिपसेट ठीक है, लेकिन यहाँ पर A52S में स्नैपड्रैगन 778 दिया गया था, जो कि मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर था। और जो है A52 में यहाँ पर स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट था। तो स्नैपड्रैगन के जो चिपसेट हैं, GPU वगैरह उनके काफ़ी ज़बरदस्त होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको माली का ही GPU मिलता है दोस्तों, मीडियाटेक का प्रोसेसर हो या चाहे आपको सैमसंग एक्सिनोस का प्रोसेसर मिले, वहाँ पर आपको माली का GPU मिलता है। तो स्नैपड्रैगन का जो GPU होता है वो एंड्रीनो का, वो ज़्यादा अच्छी ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है। ओवरऑल यहाँ पर कंफर्म यही किया जा रहा है कि एक्सिनोस 1200 का ही चिपसेट है, जो लिस्ट की गई है स्पेसिफिकेशन उस हिसाब से। ओवरऑल आपको गेमिंग वगैरह काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, और यहाँ पर आपको गेमिंग में तो शिकायत नहीं मिलती, पबजी वगैरह दूसरी भी हाई एंड गेम भी आप प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो कैमराज में दोस्तों कोई चेंज नहीं मिल रहा, जो स्पेसिफिकेशन लिस्ट की गई है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल रहा है और 12 मेगापिक्सल का यहाँ पर अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 5 मेगापिक्सल का ही डेप्थ सेंसर वाला कैमरा मिलता है। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, जो कि A52S में तकरीबन सेम ही दोस्तों यहाँ पर मिलती है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी ज़बरदस्त होती है दोस्तों। ये आपको पर्सनली बताना चाह रहा हूँ, A52 में भी मैंने अनबॉक्स किया था, काफ़ी अच्छी कलर प्रोडक्शन थी। तो ओवरऑल उम्मीद करते हैं यहाँ पर भी जो यूजिंग इंटरफेस है, कलर प्रोडक्शन है, वो आपको काफ़ी इम्प्रूव मिलेगी। एंड्रॉयड 12 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आपको ये फ़ोन मिलेगा और लेटेस्ट UI आपको मिल जाता है यहाँ पर, One UI 4.0 के साथ। तो One UI आपको सैमसंग का पता ही है कि काफ़ी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन होती है। तो ओवरऑल कलर प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी होती है, कैमरा मैनेजमेंट के मामले में सारी दोस्तों आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। लेकिन जो डिसअपॉइंट वाली बात होती है वो प्राइस की होती है। प्राइस अच्छी आ जाए तो फिर मैं समझता हूं बहुत जबरदस्त हो जाएगा। ड्यूल स्पीकर का यहां पर सपोर्ट मिलेगा और 5000 mAh की यहां पर बैटरी लगाई गई है। पहले 4500 mAh की बैटरी आ रही थी A52 में, A52S में यहां पर 5000 थोड़ा सा इंप्रूव है। और 25 वोल्ट की चार्जिंग A52S वाली चार्जिंग लगाने का सोच नहीं रहे, मतलब कि दी जाएगी, स्पेसिफिकेशन लिस्ट हो चुकी है। यहां पर दोस्तों वेरियंट जो है वो 8GB 128GB तो कन्फर्म है, 8GB 256GB भी आ सकता है, लेकिन 8128 कन्फर्म है। प्राइस का अंदाज़ा 60,000 से 65,000। तो जो आपको बताना चाहूँगी A52 को मतलब के क्लोज कर देंगे, A53 जो है वो मार्केट में आ जाएगा, मतलब के 60,000 से 65,000, जो कि आजकल प्राइस चल रही है 63,000 पे,
A52 की, तो उस हिसाब से A53 की प्राइस यहीं पर ही रखने वाले हैं। लेकिन अगर कम प्राइस में आ जाए, होने नहीं वाला क्योंकि डॉलर रेट काफ़ी हाई है। आपको ये फ़ोन IP67 वाटरप्रूफ एंड डस्ट प्रूफ भी मिलता है। ये दोस्तों इंप्रेसिव बात होती है कि मतलब कि काफ़ी ऐसे फ़ोन हैं जो महंगे महंगे फ़ोन हैं, 1 लाख की प्राइस में भी आ रहे हैं, लेकिन वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट का उनमें कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन ओवरऑल कैमराज में या दूसरी चीज़ों में चेंजिंग देखें डिजाइनिंग में, वो आपको नहीं मिलने वाली। 2-3 चीज़ें चेंज हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। लॉन्च जो है वो मार्च के मिड तक एक्सपेक्ट की जा रही है दोस्तों, क्योंकि फरवरी में ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि A53 को लॉन्च किया जाए। तो जो है मार्च के महीने में इस फ़ोन को लॉन्च किया जाएगा। पहले S22 सीरीज़ आएगी सैमसंग की, तो उसके बाद ही कहीं जाके A53 को लॉन्च किया जाएगा पाकिस्तान में। अब आपको स्पेसिफिकेशन कैसी लग रही है, प्राइस कितनी आनी चाहिए, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।